हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही स्पेशल डिश बनाने वाले हैं। आज हम चिकन बोटी की प्लेटर बनाने वाले हैं और जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर हमने तंदूरी बोटी बनाया है, मलाई बोटी बनाया है और हरियाली बोटी बनाया है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कितने खूबसूरत बोटी बनके तैयार हो गई है। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे इंग्रेडिएंट और रेसिपी बहुत अच्छे से बताऊंगी। आप भी उसी तरीके से फॉलो करें, आपकी इंशाल्लाह बोटी बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने का आसान तरीका क्या है। बोनलेस चिकन थाई लिया है, जिसे बारबेक्यू साइज में मैंने कट किया है। देखिए, इस साइज में मैंने कट किया है। चिकन को मैंने यहाँ पर तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। हर हिस्से में 12 पीसेस आए हैं, तो 12 बोटी बनेंगी। अपनी मर्जी से बोटी की क्वांटिटी भी डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए मैरिनेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तंदूरी चिकन बोटी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस लिया है। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर गाढ़ा दही लिया है। 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे, मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाला है। 1/2 टीस्पून के करीब जीरा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 पिंच रेड फूड कलर डाला है और 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर डाला है। अभी अच्छे से मिक्स करना है हमें, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा कितना आसान तरीके से तंदूरी बोटी का मसाला तैयार हो गया है। अब हमने चिकन के जो 3 पार्ट्स किए थे उसमें से 1 पार्ट हम मसाले में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके एटलीस्ट 2 घंटे तक आपको रखना है, नहीं तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 घंटे तक आप ज़रूर मैरिनेट करके रखें। इससे उसका टेस्ट चिकन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो फिर आप आधा घंटा तो ज़रूर रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम मलाई बोटी बनाएंगे, तो जिसके लिए हमने एक बाउल लिया है। बाउल में 2 टेबलस्पून के करीब हमने दही डाला है। दही डालने के बाद 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर हमने क्रीम लिया है। 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस डालेंगे। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब व्हाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर और 1 टीस्पून के करीब जीरा पाउडर, 1 टीस्पून के करीब हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अगर आपके हरी मिर्च ज़्यादा तीखी है तो 1 टीस्पून के करीब डालें, अगर तीखी नहीं है तो 1 टेबलस्पून के करीब आप हरी मिर्चों का पेस्ट डाल सकते हैं। हमारी बहुत तीखी मिर्ची थी तो हमने 1 टीस्पून डाला है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारा दूसरा मैरिनेशन भी तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने 3 पार्ट किए थे वो 1 तंदूरी बोटी में डाल दिया, अब दूसरा पार्ट भी हम मलाई बोटी में डाल देंगे। अच्छे से मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप आपके फैमिली के अकॉर्डिंग भी चिकन की बोटियां कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक बाउल में 2 टेबलस्पून के करीब दही डाला है, 2 टेबलस्पून के करीब हमने क्रीम डाला है, 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस डालेंगे, आप चाहे तो विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टीस्पून के करीब हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें आप। अब यहाँ पर हमने पुदीने का चटनी लिया है, जिसके लिए हमने हरा धनिया और पुदीने का अच्छा सा पेस्ट बना के उसे भी डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। अब हमें बहुत अच्छे से मिला लेना है। तो देखिए हमें यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर नहीं मिला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल किया है। तो हमने यहाँ पर ग्रीन फूड कलर डाला है, तो 1 पिंच ग्रीन फूड कलर डालेंगे। तो यहाँ पर हमने कलर डाल के भी बहुत अच्छे से मिला लिया है। अब हम चिकन का लास्ट पार्ट भी डाल देंगे। अब हमें मैरिनेशन के लिए इसे रख देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे तीनों भी मैरिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक सीख लिया है और सीख में इस तरीके से हमें चिकन को पुरोते जाना है।
देखिए क्योंकि हमारे चिकन की जो बोटियाँ है बहुत ही पतली है, तो देखिए इस तरीके से मैंने सारी चिकन की बोटियों को सीख में डाल दिया है। यहाँ पर हमें चिकन को मैरिनेट करके कम से कम 2 घंटे तक रखना है, नहीं तो टेंडर नहीं बनेंगी चिकन की बोटियाँ और इसमें जायका भी नहीं आएगा। तो एटलीस्ट 2 घंटे तक आप ज़रूर रखें। तो देखिए मैंने सारी चिकन की बोटियाँ सीख में डाल दिए है। आप चाहे तो 5-5 बोटियाँ भी एक सीख में डाल सकते हैं, एक सीख में 5 बोटी, दूसरे सीख में 5 बोटी। देखिए इस तरीके से मैंने मलाई टिक्का बोटी और हरियाली बोटी को भी सीख में अच्छे से डाल दिया है। अब हमारी चिकन की बोटियाँ और फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब यहाँ पर हमने एक तवा लिया है, तवे के ऊपर हमने 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है और हमारी जो तंदूरी बोटी है और जो मलाई बोटी है उन दोनों को भी हमने पकने के लिए रख दिया है। अब हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम जो है वो स्लो रखना है ताकि जो हमारी मलाई बोटी और जो तंदूरी बोटी है वो अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा अलग अलग करके रखें, नहीं तो इसका रेड कलर वाइट में जाएगा और वाइट कलर रेड में आ जाएगा, तो अपना एहतियात से आप अपना पका लें। तो देखिए हमने उलट पलट करते हुए बहुत अच्छे से पका लेना है। अगर आपके घर में ओवन है तो आप ओवन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ओवन में भी आप इसे अच्छे से पका लेना। तो देखिए हमारी जो मलाई बोटी है और जो तंदूरी बोटी है वो थोड़ा पकने लग गए हैं, थोड़े सूखे हो गए हैं, इसलिए हमने हरियाली बोटी जो है उसको भी उसी तवे पे रख दिया है पकने के लिए। तो देखिए कितने अच्छे से मार्क्स आने लग गए हैं चिकन के ऊपर, यानी हमारा चिकन पकने लग गया है। यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम लो करते हुए बहुत अच्छे से पकाना है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है, नहीं तो मसाला नहीं पकेगा और चिकन की बोटियाँ जो है वो कच्ची ही रह जाएंगी। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, जब हमारा चिकन अच्छे से पक जाए तो हमने प्लेट में निकाल लिया है सारी बोटियों को। तो देखिए यहाँ पर हमें चिकन की बोटियों को ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि हमें चिकन जो है वो जूसी चाहिए, तो हम उस हिसाब से ओवर कुक नहीं करेंगे। अब हमें बोटियों को कोयले का स्मोक देना है। कोयले का स्मोक देने के लिए मैंने क्या किया है, एक कोयले को गैस पे रखा है और उसके ऊपर जाली रखना है तरीके से, और छन्नी के ऊपर जो हमारी बोटियाँ थी उन सारी बोटियों को एक एक करके अच्छे से गैस के ऊपर रख देना है। अब जो हमारा कोयले का जो स्मोक है वो अपने बोटियों के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आएगा। अब हमें ऊपर से थोड़ा ऑयल ग्रीस करते जाना है, एक जगह पर ही नहीं रखेंगे हम जाली को, तो इस तरीके से सब जगह से हमें चिकन की बोटियों को अच्छा सा स्मोक देना है। इससे क्या होगा, हमारे चिकन में बहुत अच्छा कोयले की खुशबू आएंगी जिसकी वजह से चिकन का टेस्ट जो है वो 2 गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने चिकन की बोटी को उलट पुलट करते हुए बहुत अच्छे से कोयले का स्मोक दिया है। बहुत ध्यान और एहतियात से हमें यहाँ पर कोयले को उलट पुलट करना है, नहीं तो चिकन की बोटियाँ जलने का भी डर होता है। तो इसी तरीके से हमने मलाई टिक्का बोटी को भी इसी तरीके से हमने कोयले का स्मोक देना है और हरियाली बोटी को भी इसी तरीके से कोयले का स्मोक देंगे। तो देखिए जाली को बहुत अच्छे से हिलाते हुए सब तरफ से अच्छे से कोयले का स्मोक देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे ट्राई कलर चिकन बोटी तैयार है, जो हमारे तिरंगे का कलर भी है। क्योंकि आज रिपब्लिक डे है इसलिए मैंने ये स्पेशल रिपब्लिक डे के लिए बनाया है। तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखना।